ये फार्मेसी कोर्स क्या है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज बी फार्म. तो बी फार्म जो है उसमें जो बी है वो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी. फुल फॉर्म ऑफ बी फार्म इज बैचलर्स ऑफ फार्मेसी. द फार्मेसी हैज ए रियली बिग रोल इन रिसर्चिंग एंड टेस्टिंग. रिसर्चिंग एंड टेस्टिंग है उसमें फार्मेसी का बहुत बड़ा रोल है. Pharmacists are becoming an integral part of the healthcare industry for this and making the sector a success. Pharmacists जो है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी आजकल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और वो सक्सेस के लिए भी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो सक्सेस है उसके लिए फार्मासिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ मेजर सेगमेंट ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रिसर्च इन मेडिसिनल ड्रग्स एज वेल एज डेवलपिंग. तो जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो होता है ना ड्रग्स का इन्वेस्टिगेशन वगैरह, तो उसमें कंट्रीब्यूट करता है फार्मासिस्ट. कैसे? डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई ऑफ मेडिकेशन मेडिकेशंस इन द मार्केट एंड रिसर्चिंग एक्सेट्रा. एज ए फार्मेसी प्रैक्टिशनर हु अंडरस्टैंड मेडिसिन मेजरली वर्क इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग. फार्मेसी प्रैक्टिशनर होता है अगर उसको उसके पास थोड़ा नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स में भी वर्क कर सकता है. ठीक है, बाय ऑल्टरिंग द ड्रग्स. तो जो ड्रग्स के यूजेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो ड्रग्स के यूजेस को ऑल्टर करने के लिए, मेडिसिन के यूजेस को ऑल्टर करने के लिए भी ये लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं. ऑल्सो टू क्वालिटी चेक एंड क्वालिटी कंट्रोल एज पर द रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल. फार्मेसी काउंसिल ने थोड़े रेगुलेशन दिए हैं, उसके हिसाब से क्वालिटी चेक एंड क्वालिटी कंट्रोल ये लोग करते हैं. The pharmacy sector is divided into different segments including hospital, clinical pharmacy, industrial pharmacy, pharmacy regulators. ठीक है, बहुत सारे pharmacy available हैं. अब ये most frequently asked questions में हम चले. देखिए यहाँ पे first है, is it worth pursuing B pharmacy? तो yes, for science students in India, B pharmacy is one of the job oriented courses. जो pharmacy, जो science student है इंडिया में वो बी फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बी फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग अ बी फार्मेसी डिग्री देर आर न्यूमरस जॉब ओपनिंग इन द गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर. तो अगर आप बी फार्मेसी की डिग्री आपके पास है तो आप प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, हॉस्पिटल्स एंड सो ऑन. It can be included that it is an excellent course for student interested in studying pharmacy and pharmaceutical science. तो जो students science और pharmaceutical science में interest रखते हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन course है. Next question is biology needed for a B pharmacy degree? No. क्यों? क्योंकि biology is not required for the B pharmacy program. क्योंकि इसमें जो the minimum requirement is 55% in physics, chemistry, मैथमेटिक्स एंड और बायोलॉजी इन क्लास 12. तो जो 12th इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं, अगर उनका बैकग्राउंड एमपीसी से है तो वो भी बी फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हैं. स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12th विद मैथ्स कैन आल्सो परस्यू अ बी फार्म डिग्री. ये तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर आप एमपीसी के बैकग्राउंड से हो फिर भी आप बी फार्मेसी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीट मैंडेटरी फॉर बी फार्मेसी? मैंने पिछली वीडियो में बताया था नो, क्योंकि ये जो नीट बीडीएस होते हैं ये सिर्फ और जो नीट एग्जाम होता है सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के लिए रिक्वायर होता है. जो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन करवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए नीट होता है. नीट नेशनल लेवल पे होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग सारी चीजें होते हैं. लेकिन अगर आप बी फार्मेसी में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एमसेट क्वालिफाई करना होगा विथ गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन योर इंटरमीडिएट. तो अगर आप एंट्रेंस टेस्ट जो एमसेट होता है अगर वो क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको बी फार्मेसी में एडमिशन मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई परस्यू फार्मडी आफ्टर बी फार्मेसी? तो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड बी फार्मेसी विद मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम पीसीआई, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, अगर जो पीसीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से बी फार्मेसी अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपको 4 ईयर्स अगर आप कंप्लीट कर चुके हो उसके बाद आप लोग फार्माडी में शिफ्ट हो सकते हैं. मतलब आप 4 ईयर कंप्लीट करेंगे फिर आप 2.5 ईयर फार्माडी का जो कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे, तो आपका हो गया पूरा 6.5 ईयर आपको लगेगा अगर आप बी फार्मेसी से फार्माडी में जाना चाहते. अगर आप पहले से स्टार्टिंग से फार्माडी करेंगे तो आपको सिर्फ 6 ईयर्स लगेंगे, उसमें आपको 5th ईयर तक स्टडीज होंगी, जो थियोरियल लैब्स जो हॉस्पिटल में केस स्टडीज होते हैं वो होगा, और आपको जो 6th ईयर होगा वो इंटर्नशिप होगा
जबको हॉस्पिटल में करना होगा, ठीक है। तो ये है, तो आप कर सकते हैं फार्मा डी आफ्टर बी फार्मेसी। व्हाट करियर्स आर अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग अ बी फार्मेसी डिग्री? तो बी फार्मेसी डिग्री के बाद जो बी फार्मेसी कर चुके होते हैं उनके बाद क्या करियर है, उसका क्या करियर है, कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं बता दूं, फार्मास्यूटिकल फर्म्स, हॉस्पिटल्स, ड्रग टेस्टिंग, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सारी चीजें ओपन है उनके लिए। एंड अदर इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द मेजोरिटी ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज। तो जो बहुत सारे लोग हैं जो बी फार्मेसी करते हैं उसके बाद ये लोग ये सारे जो मैंने भी बताए हैं आप लोगों को, फार्मास्यूटिकल फर्म्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजों में ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई परस्यू बी फार्मेसी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स? यस, यू आर एलिजिबल टू परस्यू बी फार्मेसी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैंने अभी आपको बताया अगर आप एमपीसी के बैकग्राउंड से हो तो फिर भी आप बी फार्मेसी में अपना एडमिशन करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ फार्मा डी इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस? मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट डॉक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर ऑल ऑफ दिस डिग्रीज आर कंप्लीटेड, ठीक है, दे आर टू डिस्टिंक्ट डिग्रीज, द फर्स्ट इज इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड द सेकंड इज इन मेडिसिन एंड सर्जरी, एज अ रिजल्ट इट इज नॉट द सेम। यहाँ पे गौर करिए आप लोग, इट इज नॉट द सेम, ठीक है। जो फार्मा डी कर चुके होते हैं उनके नाम के पहले सिर्फ डॉक्टर लगा होता है, जो फार्मास्यूटिकल साइंस जो डिग्री है वो उन लोगों को मिलती है। अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको डॉक्टर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में मेडिसिन और सर्जरी का भी आपके पास फुल परमिशन होगा। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू परस्यू ए करियर इन फार्मेसी आफ्टर कंप्लीटिंग अ बीएससी? तो इसका आंसर है यस, आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी यू विल परस्यू ए करियर इन फार्मेसी। तो अगर आप बीएससी से शिफ्ट करना चाहते हैं, बीएससी से स्विच करना चाहते हैं बी फार्मेसी में, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बीएससी क्या होता है, बैचलर्स इन साइंस होता है, तो आप फार्मेसी आराम से कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे, अगर आप वो क्राइटेरिया पूरे कर लेंगे, थोड़ी चीजें होंगी वो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको बीएससी के बाद भी एमसेट तो कंपल्सरी देना ही होगा, उसके बाद ही आपको बी फार्मेसी में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप एमसेट क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।